इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, श्रीजन कॉमर्स क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, आई स्पेशलिस्ट नयनदीप नेत्रालय में हूँ, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आजकल जो सिनेरियो है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो 5-6 घंटे अपनी स्क्रीन के साथ गुजारते हैं, या वो मोबाइल का स्क्रीन हो या आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी उनके पास अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि हम बहुत करीब से इन स्क्रीन को यूज़ करते हैं और काफ़ी घंटों तक यूज़ करते हैं लगातार, जिस वजह से हमें पता है, हमें ये तो ज़रूर मालूम है कि स्क्रीन यूज़ करने से या मोबाइल यूज़ करने से हमारी आँखें खराब होती हैं या हमारी आँखों को नुकसान होता है। लेकिन जब ये मजबूरी हो कि हमें इस्तेमाल करना ही है, तब हम कुछ एहतियात बरतें, कुछ ऐसा जानें जो कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का जो आँखों पे दुष्प्रभाव या बैड इफ़ेक्ट पड़ता है वो कम से कम पड़े। कोई भी डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट कभी नहीं कहेगा कि आप मोबाइल को धड़ल्ले से यूज़ कीजिए या आप अपना डेस्कटॉप लैपटॉप धड़ल्ले से यूज़ कीजिए, लेकिन जब ये मजबूरी बन जाती है तो फिर उसमें हम उन्हें बताते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं काम करते हुए भी इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे। जो भी सिस्टम होता है या स्क्रीन होता है, जो ग्लेयर का स्क्रीन है, जैसे लाइट जल रही है उसमें और हम उसको लगातार देख रहे हैं, तो टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि हम आँखों को अपने झपकाते नहीं, मतलब हमारी पलकें जो होती हैं वो ब्रॉडली खुली होती हैं। एक ये नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है कि जब हम कुछ पे काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पलकें होती हैं वो लगातार ब्रॉडली खुली होती हैं। नॉर्मली जब हम बैठते हैं या कोई किसी से हम बातें कर रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं, रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो हमारी पलकें जो हैं वो एक फ्रिक्वेंसी पे झपकती रहती हैं, और जब जब हमारी पलकें झपकती हैं उससे जो हमारे आँख का आँसू का जो पंप होता है, एक टीयर सिस्टम होता है हमारी आँख में, वो आंसू बाहर आता है और हमारी आंखों की ऊपरी सतह को वो तरावट देता है या लुब्रिकेट कर देता है, जिससे जो हमारी आंखों को तरावट मिलनी चाहिए वो लगातार मिलती रहती है। लेकिन जब हम बैठते हैं लगातार सिस्टम पे और हम पलकें बहुत कम झपकाते हैं, तब क्या होता है, हमारी आंखों का जो ऊपरी लेयर होता है, जैसे कॉर्निया कंजंक्टिवा, वो ड्राई होने लगता है, और ये इसको हम ड्राई आई सिम्टम्स या ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लक्षण होते हैं, आँखों में जलन होना, आँख से पानी आना, चुभन होना, इरिटेशन फील होना, जैसे आँखों में कुछ पड़ गया हो, या बार बार मलने का मन करता है, या फोटोफोबिया होना, हम स्क्रीन जब देखते हैं तो उसकी लाइट हमें बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये सब जो लक्षण आने लगते हैं ये ड्राइनेस का सिम्टम है। तो इसको हम कैसे दूर करें या इससे हम कैसे बचें, उसके लिए हमें कोशिश ये करना है कि अपने डिवाइस को जितनी दूर कर सकें, जहाँ तक हमारा काम चले, बहुत पास नहीं लाना है, उतनी दूर पे रख के हम उस पर काम करें, और डिवाइस पे अगर एक प्लाज्मा स्क्रीन लगा हो या एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लगा हो तो आप अपने, अगर जो ग्लासेस पहनते हैं वो अपने चश्मे के पावर के साथ एंटी ग्लेयर उसको कोट करवा सकते हैं, या फिर जो चश्मा नहीं पहनते हैं उनको हम 0 पावर का एंटी ग्लेयर चश्मा देते हैं, जैसे मैं यूज़ करती हूँ हमेशा एंटी ग्लेयर चश्मा। तो ये क्या होता है कि प्रोटेक्शन देता है हमारी आँख को, जो लाइट आ रही है, जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जो ग्लेयर आ रहा है स्क्रीन से, वो काफ़ी हद तक छन के आता है हमारी आँखों में, तो उससे इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे एंटी ग्लेयर ग्लासेस मार्केट में हैं, ब्लू कट है और भी बहुत कुछ है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो एक हमारा सेट रूल है, जो वर्ल्ड के सारे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं और बताते हैं अपने पेशेंट को, प्रैक्टिकली अगर ये फॉलो नहीं भी हो तो कुछ हद तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। द रूल इज ऑफ 20-20-20। ये होता है कि आप 20 मिनट्स तक जब लगातार स्क्रीन को देखें तो 20 सेकंड का ब्रेक लें, और उस 20 सेकंड का ब्रेक लेके हम 20 फीट पर दूर किसी चीज़ को, जैसे कैलेंडर हो या बल्ब हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपके रूम में है, आप उसको अपने मोबाइल और कंप्यूटर से नज़र हटा के उस दूरी वाली चीज़ को फोकस करें, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि
कि 20 times आप अपनी आंखों को झपकाएं यानी ब्लिंक करें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। 20-20-20 है, 20 seconds का ब्रेक लेना है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हर 20 मिनट पे हम 20 सेकेंड का ब्रेक लें, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम खुद फील करेंगे कि स्ट्रेन हो रहा है, जलन हो रही है, तो हम 20 सेकेंड का ब्रेक ले लें। और क्लासेस के दौरान ये पॉसिबल नहीं है, तो आप हर क्लासेस के बाद आप ये ब्रेक ले सकते हैं। और अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो कम से कम वॉलंटरीली अपनी इच्छा शक्ति से अपनी आँख के पलकों को झपकाते रहिए ऐसे ऐसे। जितनी स्क्वीज होगा जितना आँख, उतना आँख के अंदर तरावट आएगी। आप खुद फील करेंगे जब 2-4 बार आपने पलकें झपकाई हैं तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चर फील हो रहा है आँख में, एक ठंडेपन का एहसास हो रहा है, तो ये आप ज़रूर करें। दूसरा, केवल आँखें ही नहीं, अगर आप बहुत देर तक किसी मोबाइल लैपटॉप को लेकर बैठे रहते हैं तो आपकी गर्दन में भी अकड़ होती है, तो फिर आप उसके लिए अपना क्या कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर डिवाइस ऊपर है तो आप उसको नीचे कर लें, अगर डिवाइस बहुत नीचे है, गर्दन झुका के देखना पड़ रहा है, तो ये तो उस पोजीशन सबसे ख़राब है। उसमें फिर आपको स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्प्रेन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ना करके आप डिवाइस को ऐसे रखिए जहाँ पर आपको, कोशिश करें जैसे बुक पढ़ते हैं तो एक बना रहता है आपका रैक जिस पर आपने बुक को रख दिया, एक शेल्फ टाइप का बनता है, उस जगह पे उस मोबाइल को फिक्स कर लिया, या नहीं तो कहीं भी अपने कंफर्टेबल जिसमें आपकी गर्दन थोड़ी टिल्ट हो रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ रहा है और आपकी आँख जो है वो डिवाइस को थोड़े से नीचे से फोकस कर ले रही है, तो उससे क्या होगा कि आपका नेक का स्प्रेन जो होगा या थकावट जो आती है वो कम हो जाती है। तो ज़रूरी है ब्लिंकिंग करना, एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज़ करना, और अपने डिवाइस का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो ब्राइटनेस है, उसको भी आप कम करके रखें। आप चाहें तो उसको नाइट मोड में कर सकते हैं। नाइट मोड में करने से क्या होता है कि जो बहुत वाइट लाइट आती रहती है वो थोड़ा कम हो के येलोइश जैसा आने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ग्लेयर है वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, और ब्रेक लेने की कोशिश करें बीच बीच में, जैसे कि आप बच्चे हैं मोबाइल पे क्लास थोड़ा ओवर हुआ तो चेंज करके गेम खेलने लगे, या चेंज करके व्हाट्सएप देखने लगे, फेसबुक देखने लगे, कोशिश करें कि उस समय आप ब्रेक ले लें। ब्रेक लेकर आप दूसरी चीज़ों को करें, क्योंकि क्या होता है ना कि लगातार जब हम किसी नज़दीक की चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, कोई भी स्क्रीन हो, मोबाइल हो, तो हमारी आँखों की जो मांसपेशी होती है, जो ऑकुलर मसल्स होते हैं, वो स्ट्रेन में रहते हैं, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं हमारी नज़दीक की चीज़ों को। लगातार अगर वो फोकस करते रहते हैं और हम उनको रिलैक्स नहीं करेंगे बीच बीच में, तो हमारी आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा, आई स्ट्रेन शुरू हो जाएगा, तो उसको आपको ब्रेक करना है। इसलिए बीच बीच में आप रिलैक्स करने के लिए दूर कहीं देखें, इधर देख के बात करें, उधर देख के बात करें। आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऐसे करके गर्म कर लिया, और इसके हथेली का ये जो पाम का एरिया है इसको अपनी आँख के ऊपर ऐसे लगा कर थोड़ी देर तक प्रेस करके रखें। इससे भी बहुत ही सूदिंग इफेक्ट मिलता है और आँखों में जो दर्द या तनाव या जलन महसूस होता है वो तुरंत रिलैक्स हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप करें। और जैसे कभी कभी आप देखते होंगे बच्चों में, तो चूंकि मांसपेशी बहुत स्ट्रांग होती है इसलिए उनमें फोकस वाला जो प्रॉब्लम है कम होता है, लेकिन जब कुछ एज आ जाती है, स्पेशली जब आप 40 के ऊपर जाते हैं या 40 के करीब होते हैं, तो क्या होता है कि आपको प्रेसबायोपिक ग्लासेस या नज़दीक का ग्लासेस लग जाता है, तो आप उसको लगा के काम करते हैं या कभी नहीं भी लगा के काम करते हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कि इमेज एक से डबल दिखने लगी, मतलब वो फोकस का कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। इसका मतलब है कि आपकी आंखें जो हैं वो थक गई हैं और वो दोनों आंखों का जो फोकल पॉइंट मिल के नहीं, दोनों स्प्लिट कर रहा है, यानी एक इमेज आपको दो दो दिखने लग रही है। तो इसके लिए भी जब आप कन्वर्जेंस एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी पेन या पेंसिल, अभी मेरे पास फ़िलहाल ये एक नाइफ पड़ा हुआ है, कोई एनीथिंग आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ऐसे लेकर अपनी आँखों के सामने ऐसे ले जाएंगे कुछ दूरी तक, और उसके बाद दोनों आँखों से उसका टिप फोकस करेंगे और फिर धीरे 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 उस डिवाइस को, मतलब उस चीज़ को अपने आँख के धीरे 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 करीब लाएंगे। ऐसा करेंगे, वापस लेके जाएंगे, कम से कम 5 rounds करेंगे। उससे क्या होता है कि आँखें जो है अंदर बाहर की तरफ मूव करती हैं और मसल्स का एक तरह का एक्सरसाइज होता है, तो उससे जो नज़दीक का फोकस या कन्वर्जेंस पावर होता है वो भी हमारा बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आँखों का डिफरेंट एक्सरसाइज है आँखों को रिलैक्स करने के लिए। सूदिंग ड्रॉप्स बाज़ार में मौजूद हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। आज के ज़माने में मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान जो कि लैपटॉप या स्मार्टफोन यूज़ करता है वो इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करता हो। हम लोग तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि इन ड्रॉप्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ड्रॉप बाज़ार में मिल जाते हैं बहुत ईजीली।
तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे प्रिजर्वेटिव कम हो, उसको आप इस्तेमाल करें और इनवेरिएबली यूज़ करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी देर आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें करें, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो, अब गर्मी आ गई है तो आँखों को कूल कंप्रेस करें, जैसे कि ठंडे पानी की पट्टी ले ली, गाड़ ली सूती कपड़े में, या फिर छोटा टॉवल को गाड़ लिया ऐसे करके, और उसको आँख के ऊपर रख के पट्टी को एंड थोड़ा सा कंप्रेस किया, उससे जो गर्मी की एलर्जी होती है उससे भी बहुत राहत मिलती है। इन सूदिंग ड्रॉप्स को अगर आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आप क्लासेस करें, उसको तो करना ही है, और साथ में जो कंप्यूटर यूज़र हैं, जो बैंकर्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है 8 घंटे 10 घंटे उनको कंप्यूटर पे बिताना है, उन लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। अगर जितना मैंने बताया, काफ़ी समय भी हो गया है, तो इसमें कुछ टिप्स भी अगर आप ले लें और अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सब करके आपको कितना अच्छा लगा या कितना फ़ायदा हुआ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।